वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई आप एक ऐसा वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताइए जहां से हम अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग कर सके आसानी से और सिंपल इंटरफेस रहे और उसमें थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें भी हम कर सके और फैक्ट वीडियोज़ के लिए भी हम एडिटिंग कर सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी तरीके का एक एप्लीकेशन मैं आपके सामने लाया हूँ और ये एप्लीकेशन नया नहीं है, बट इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है और इसमें जो एडिटिंग होती है वो एडवांस लेवल की होती है और मतलब कि काफ़ी एक जो काम आपको 2 से 3 एप्लीकेशन में करनी पड़ेगी वो काम आप एक एप्लीकेशन में कर सकते हैं और वो चीज़ होगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एप्लीकेशन आपको पेड मिलता है, यानी कि वाटरमार्क वगैरह आएगा तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बट अगर आप चाहो तो ये वाला वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब कहाँ से करना है यार, आप हो ही बुद्धिमान, आप जानते ही हो कहाँ से करना है, कर ले ना अगर आप चाहते हो तो। मैं फोर्स नहीं कर रहा कि आप पेड वाला यूज़ कर सकते हैं। तो बस यार, चलो अब बढ़ते हैं आगे ट्यूटोरियल की ओर। और बाकी मैं आपको बता दूं ट्यूटोरियल से आगे बढ़ूं उससे पहले भी कि इसमें आप एनिमेशन वगैरह भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें एडवांस लेवल में भी थोड़ी बहुत हो जाती है। पूरा देखना वीडियो को, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वेल फ्रेंड्स, जिस एप्लीकेशन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उस एप्लीकेशन का नाम है वीवा कट। ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा, बट जैसा कि मैंने कहा ये पेड है और पेड मतलब कि फ्री में यूज कर सकते हो बट वाटरमार्क आएगा और कुछ फीचर रेस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन फ्री में भी अवेलेबल हैं जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया। अब बात करते हैं इसको कैसे यूज करना। तो यहाँ पर देखिए, नीचे में ड्राफ्ट्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो जो प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर वर्क किया है वो सारा यहाँ पर आपको सेव नजर आएगा। ऊपर में आप देख सकते हैं क्रिएट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपल सेलेक्ट करना है। जैसे क्रिएट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपका सारा वीडियो आ जाएगा। चलिए हम एक वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। देखिए नीचे में क्लिप्स आ गई। नेक्स्ट करते हैं हम, जितने सारे क्लिप को आपको ऐड करना है वहाँ से आप कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए नीचे में बहुत सारे आपको ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस दिख जा रहे हैं आपको। चलिए वन बाय वन हम इनके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एडिट क्लिप, जैसे एडिट क्लिप पर हम टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला है एनिमेटर, स्प्लिट, फिल्टर, एडजस्ट, वॉल्यूम, म्यूट, रिप्लेस, ट्रांसफॉर्म, स्पीड, रिवर्स, फ्रीज, डुप्लीकेट एंड डिलीट। सो मेनी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये एक ही एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती हैं। पहला है एनिमेटर, अगर हम एनिमेटर पर टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, पोजिशन में एनिमेशन लगा सकते हैं, रोटेशन में एनिमेशन लगा सकते हैं, जूम में एनिमेशन लगा सकते हैं, जूम इन और जूम आउट जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में करता हूं उस प्रकार का आप भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। देखिए दोस्तों, एनिमेशन की बात करें तो जैसे एनिमेशन पर हमने टैप किया यहाँ पर आप देखिए एक रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए एक रेड डॉट नज़र आ रहा है, यहीं से एनिमेशन होगा। चलिए मैं एनिमेशन के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं, बाकी कभी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मान के चलिए हमें पोजिशन को यहाँ पर करना है एनिमेशन, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमने लगा दिया, थोड़ा सा हम क्लिप को लेकर जाएंगे आगे और यहाँ से हमें एनिमेशन लगाना है पोजीशन में, तो थोड़ा सा क्लिप कर आगे जाएंगे और इसको हम करेंगे कुछ इस प्रकार से अप। चलिए हम यहाँ पर करते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा, इस जगह पर डॉट आपको दिख रहा है। चलिए यहाँ से हमने और आगे जाना है और यहाँ पर हमें लगाना है एनिमेशन, तो यहाँ पर अगेन जाएंगे और डॉट को अगेन क्लिक करना है। एक सेकंड हम आपको दिखाते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं अब
एंड अप करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा एनिमेशन क्रिएट हो गया है। अगर हम वीडियो को जरा सा प्ले करके देखें तो ये देखिए एनिमेशन कुछ इस प्रकार से हुआ, अप हुआ। अब चलिए इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एनिमेशन आप ऐड कर सकते हैं। रोटेट में भी एनिमेशन है, जूम में भी एनिमेशन है। जूम में कैसा एनिमेशन, चलिए इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। मान के चलिए हमें यहाँ पर जूम करना है, तो यहाँ पर सिंपल टैप करेंगे एक बार, एक सेकेंड दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जूम पर जाएंगे और यहाँ पर हल्का सा हमें टैप करना है और अगेन हल्का सा आगे जाना है क्लिप के, और यहाँ पर इसको मान के चलिए जूम इन करना है, तो हम कुछ इस प्रकार से कर देंगे। अब देखिए हमारा एनिमेशन यहाँ पर रेडी हो गया। अगर हम इसको वीडियो को चलाएं दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए बैक चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओवरले का। दोस्तों मैं एनिमेशन पर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पूरा डालेंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो, और नहीं करते फिर भी यार इस पूरे एप्लीकेशन पर ट्यूटोरियल सीरीज आने वाली है, जल्दी लॉन्च हो जाएगी हमारे चैनल पर। बात करते हैं ओवरले की। ओवरले में अगर हम जाएंगे तो ओवरले में आप वीडियोस फुटेज को ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक वीडियो फुटेज को ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड पर टैप करते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ताकि ये कुछ लोडिंग लेता है, वो लोडिंग यहाँ पर आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा समय, उसके बाद आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरले पर वीडियो जो है वो सो एक ऐड हो चुकी है। अब इस वीडियो को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो में हम एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एनिमेशन में आप ओपेसिटी, एनिमेशन QR, रोटेट, ये बहुत सारे फीचर्स, इस पर हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। और देखें यहाँ पर एनिमेशन में एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। एनिमेशन पर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट में, और इस पर आप VFX वगैरह ऐड कर सकते हैं, स्प्लिट, साथ ही साथ यहाँ पर फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ऑफ आपको सिनेमेटिक टाइप वाला फिल्टर भी मिल जाता है। देख सकते हैं दोस्तों क्या मस्त लुक वाला फिल्टर आ गया यार। देखिए हम अगर आपको एक प्ले करके दिखाएं तो कितना बढ़िया वाला लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ फिल्टर ऐसा है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसान है यहाँ पर एडिटिंग करना। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि है हमारा यहाँ पर VFX का। तो अगर हम VFX पर टैप करते हैं तो VFX में बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है और ये हेड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये VFX मतलब इफेक्ट है, यहाँ पर देखिए ये ग्लिच वाला इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर ग्लिच वाला इफेक्ट आप देख सकते हैं, तो मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे आपको इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं जो कि ऑसम है यार, मतलब कि ऑसम ही आप समझ सकते हैं, और बहुत ही आसान है। कुछ इस प्रकार से आप इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि म्यूज़िक वाला है। म्यूज़िक पर हम अगर जाते हैं तो यहाँ पर हम ऑनलाइन म्यूज़िक यहाँ पर आपको मिल जाता है डाउनलोडेड, और इन डिवाइस से भी यूज़ कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन यहाँ पर इस एप्लीकेशन की मदद से भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया। अब टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में भी आपको टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, और टेक्स्ट की वैरायटी की बात करें तो यहाँ पर आप फॉन्ट्स में जाकर और फॉन्ट्स को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स भी अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर टेक्स्ट में भी आप एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, VFX ऐड कर सकते हैं, कलर, स्ट्रोक, शेडो, ओपेसिटी, मास्किंग भी कर सकते हैं दोस्तों, ये भी हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। डुप्लीकेट, डिलीट, ये ऑप्शन से। चलिए अब बात करते हैं अगली वीडियो की, मतलब कि अगला ऑप्शन का, वो है स्टीकर। यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टीकर भी मिल जाते हैं, अगर हम स्टीकर में टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको स्टीकर डाउनलोड करना पड़ेगा और वो आप कर सकते हैं जब ऑनलाइन आप होंगे तब। साउंड इफेक्ट्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए साउंड इफेक्ट आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ऑसम है यार, मतलब कि साउंड इफेक्ट मिल जाता है। अगर आप कोई एक वाइंस वीडियो बना रहे हो या फिर एक फैक्ट वीडियो बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट मिल जाता है, कहीं से और डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पर ऑनलाइन मिल जाएगा, जो कि बहुत ऑसम वाला बात है। अब बैक जाते हैं, बात करते हैं दूसरा कैनवास की। कैनवास में देखिए 1:1 कुछ इस प्रकार से, यानी कि आप जो साइज होती है उसको, फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड में आप चाहो तो कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हैं लाइक दिस। अगर हम यहाँ पर बैकग्राउंड सेट करते हैं और बैक जाते हैं कैनवास में और कुछ इस प्रकार से करते हैं तो ये देखिए बैकग्राउंड में हमारा ब्लर हो गया, यानी कि काइन मास्टर में जो हम ट्रिक यूज करते थे, जो कि हम एनिमेशन यूज करते थे और थोड़ा लॉन्ग मेथड होता था, वो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं एक टेप में, बैकग्राउंड ब्लर एक झटके में कर सकते हैं, कैनवास चेंज कर सकते हैं एक झटके
झटके में। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ इस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत अच्छे खासे वीडियो एडिट कर सकते हैं। स्प्लिट आप कर सकते हैं। यहाँ पर मान के चलिए हम यहाँ पर स्प्लिट करना है तो देखिए यहाँ पर आपको एक कट नज़र आ रहा होगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस जगह देखिए कट लग चुका है। अब यहाँ पर डुप्लीकेट भी आप इस लेयर को कर सकते हैं। अगर अब ट्रांजिशन की बात करें तो ट्रांजिशन के सेट करना है, ट्रांजिशन का तो भैया हमें ऑप्शन नहीं मिला है। कोई बात नहीं यार, यहाँ पर देखिए स्प्लिट पर हम किए तो एक कट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करते हैं, अगर यहाँ पर इस टैप करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर फेड ब्लैक, फेड वाइट, क्रॉस फेड, वाइप लेफ्ट, वाइट अप, बहुत सारे ट्रांजिशन है। चलिए यहाँ पर कोई भी एक ट्रांजिशन को आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक ट्रांजिशन को ऐड कर दें और आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये ट्रांजिशन कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है। और इस प्रकार से आप बहुत आसानी से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग होने के बाद एक्सपोर्ट पे आपको टैप करना, 1080 फुल एचडी में भी आप यहाँ पर वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 1080 पर वीडियो कर देते हैं एक्सपोर्ट, तो देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी मेथड है, सिंपल वीडियो एप्लीकेशन है दोस्तों। ये तो कुछ ओवर व्यू की बात रही। नेक्स्ट वीडियोस जो इसी सीरीज में आएंगी, इस एप्लीकेशन की सीरीज में एपिसोड्स में हम बात करेंगे एनिमेशन के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, म्यूजिक, इस सब के बारे में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी इसके बारे में हम कवर करने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लिए ताकि इस सीरीज में जितने भी वीडियोज आए उससे आप अपडेटेड रह सकें और आप अपने वीडियोज को एक प्रोफेशनल वाला लुक दे सकें एडिटिंग के दौरान अपनी मोबाइल फोन की मदद से। बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर मेरा सहयोग जरा सा भी पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए यार। बाय बाय।